क्या आप भी सीटेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं? तो आप ये गलती मत कर देना लैंग्वेज चूज़ करते समय जो मेरे दोस्त ने भी की थी, जिसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा था। ठीक है, तो इसी गलती के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो उसको देखने से पहले, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ मैंने कौन सी लैंग्वेज चूज़ करी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये है मेरा एडमिट कार्ड, देखिए इस तरह से आता है आपका कुछ सीटेट का एडमिट कार्ड। यहाँ पे ऊपर आपको लिखा मिलेगा CBSE, जो भी आपका पेपर है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर होता है, ये आपका एड्रेस होता है, नाम, फादर नेम, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, कैटेगरी वगैरह जो भी होती है, ये रहा लैंग्वेज का। ठीक है, तो लैंग्वेज इस तरह से होती है, लैंग्वेज ऑफर्ड वन और लैंग्वेज ऑफर्ड टू। ठीक है, तो लैंग्वेज फर्स्ट जो मैंने चुनी थी हिंदी चुनी थी, और लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश चुनी थी। तो अब मेरे दोस्त ने गलती क्या करी वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आपने देख लिया होगा क्या मैंने लैंग्वेज हिंदी चुनी है फर्स्ट और इंग्लिश चुनी है लैंग्वेज सेकेंड। ठीक है, आप देखते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो कन्फ्यूज़न उठता है लोगों का वो क्या होता है, क्या सीटेट में दोनों लैंग्वेज हम सेम रख सकते हैं? जैसे हिंदी लैंग्वेज वन भी कर दी, हिंदी लैंग्वेज टू भी, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको दोनों लैंग्वेज क्या है, अलग अलग रखनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया, दोनों लैंग्वेज आपको अलग रखनी पड़ती है। बेशक आप ट्राई भी कर लेना सर्वर में, अगर आप दोनों लैंग्वेज सेम ही रखेंगे तो आपका वो सबमिट भी नहीं होगा। ठीक है, अब वो गलती की बात करें जो मेरे दोस्त ने भी करी थी, जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, वो क्या होती है। जैसे मान लो लैंग्वेज फर्स्ट मैंने क्या चुनी थी, हिंदी चुनी थी। तो अब एक मेरा दोस्त था, वो भी क्योंकि सेम मीडियम में पढ़े थे, उसकी भी लैंग्वेज फर्स्ट क्या, हिंदी जो है उसकी स्ट्रांग थी, तो उसने लैंग्वेज फर्स्ट चुन ली। ठीक, अब लैंग्वेज टू क्या है, मैंने चुनी इंग्लिश। अब क्योंकि हिंदी इंग्लिश ही मीडियम था हमारा, तो उसने करा क्या, दूसरों से सलाह ली, तो उसने क्या बताया कि भाई अगर आपको ज़्यादा स्कोर चाहिए तो आप इंग्लिश मत चुनो, आप क्या ले लो, संस्कृत। तो उसने क्या है, उसको सुन के उसने इंग्लिश नहीं चुनी, उसने संस्कृत चुन ली, जबकि उसको संस्कृत का आता कुछ नहीं था, और उसने पता नहीं क्या सोच के संस्कृत ले ली। अब जो पेपर का टाइम आया, अब पेपर के टाइम में अगर वो इंग्लिश चुनता तो, क्योंकि उसको तो पहले से आता ही था कि कैसे लिखना है, वर्ड मीनिंग क्या होते हैं, जो भी ग्रामर्स होती है वो इंग्लिश की पता थी। अब संस्कृत की उसने चुन लिया, अब उसको क्या, संस्कृत पहले तो पढ़ना, उसको समझना, क्योंकि संस्कृत एक अपने आप में अलग लैंग्वेज है, उसके मीनिंग क्या होते हैं, वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं, फिर उसको ग्रामर करना, तो वो भारी पड़ गया। अगर वो इंग्लिश लेता तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता, लेकिन उसने संस्कृत ले लिया, तो वो पहले लैंग्वेज सीख रहा है फिर वो ग्रामर सीख रहा है उसकी। तो वो गलती उसने कर दी, जिस वजह से उसके मार्क्स कम रह गए। ठीक है, तो ज़्यादा नंबर के चक्कर में कम हो गए उल्टा। तो आप ये गलती मत कर देना, आपकी जो लैंग्वेज स्ट्रांग है आप उसी को लें, किसी से सुना सुनी करके या ज़्यादा नंबर के चक्कर में खुद ऐसी गलती ना कर दें, क्योंकि फिर आपको क्या है, पूरा आपको पढ़ना पड़ता है, पूरी लैंग्वेज शुरू से आपको सीखनी पड़ेगी, वर्ड के मीनिंग क्या है, उसमें टाइम ज़्यादा, टाइम टेकिंग हो जाता है, तो ऐसा ना करें। ठीक है, तो आप कौन सी लैंग्वेज चुने, आपको लैंग्वेज वन जो है वो चुननी चाहिए जिसमें आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे मेरी हिंदी थी, तो हिंदी मैंने लैंग्वेज फर्स्ट चुन ली, आपकी जो भी लैंग्वेज है पंजाबी है, गुजराती है, आसामी है, तो इंग्लिश, इंग्लिश भी चुन सकते हैं आप। तो आपको जो भी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है, आपको लगता है ग्रामर अच्छी है आपकी, तो वो आप लैंग्वेज वन चुने, और लैंग्वेज टू आप वो चुने जिसमें लगता है कि आपकी पकड़ तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो उसको आप सेकेंड लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको इंग्लिश चुना था। अब संस्कृत का तो मेरे को कुछ 8वीं तक पढ़ी थी मैंने, उसके बाद मैंने पढ़ी नहीं, तो मैं संस्कृत पूरी भूल चुका था, तो इसलिए मैंने नहीं चुनी थी। तो यही मैं गलती बताने वाला था कि किसी से ज़्यादा नंबर के चक्कर में आप ऐसे गलती ना कर दें कि आप दूसरों को देख के ज़्यादा के नंबर के चक्कर में कुछ ऐसी लैंग्वेज चुन ले जिसको आपको दिक्कत हो बाद में। ठीक है, तो ये आपकी गलती नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस तरह की गलती करने से बच जाए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।